हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए कैंपिंग ब्लॉग पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे हो गए यार। तो भाई, आज मैं आ चुका हूँ एक और नई लोकेशन पे, नए एडवेंचर पे। मौसम बनने लगा है, बूंदाबांदी हो सकती है दोस्तों। पीछे जो पेड़ है वो काफल का है भाई, तो उस वजह से उस पर बहुत सारे बंदर बैठे हैं। और नीचे की तरफ देखिए, पूरा पाइन फॉरेस्ट है भाई आज का। जगह तो फ्लैट नहीं है भाई, लेकिन लग रहा है कि अपना काम चल जाएगा। बंदर भी बोल रहे हैं देखो। हाँ, सच बताऊं तो मुझे बंदरों का सपोर्ट मिल रहा है भाई यहाँ पे, सुनसान जगह पे। पता नहीं क्यों, हैं तो हमारे पूर्वज एटलीस्ट हैं। अभी वेस्ट फेस रखते हैं टेंट का। तो दोस्तों, टेंट तो अपना पिच हो गया, आराम से बैठते हैं थोड़ी देर, है ना, लोकेशन का फील लेते हैं। क्योंकि यार हमेशा नाइट कैंपिंग होती है, और नाइट कैंपिंग में पता है चारों ओर का एरिया, जिस चीज़ के लिए कैंपिंग की जाती है ना, नेचर का फील लेने के लिए, वो चीज़ यार थोड़ा टाइम से आके ही पॉसिबल है। और आज ही मौका मिला है मुझे, तो मैं इसको गंवाना नहीं चाहूँगा।
अगर मैं इसमें 5 मिनट बिल्कुल नेचर के फील के साथ सोए रहा ना, और गलती से मैंने आँख बंद कर ली, नींद आ जाएगी और वो पता नहीं कब खुलेगी। पहाड़ों में कहावत है भाई, जब भी ये पक्षी बोलता है ना बारिश होती है। कहते हैं कि ये बारिश को बुलाता है, यानी कि आह्वान करता है बारिश का। जो चीज़ मैं बनाने वाला हूँ ना, उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी मिर्च की, धनिया और ये लहसुन की, और साथ में नींबू की, क्योंकि मैरिनेशन करना है। तो भाई यहाँ पे तो इनको पेस्ट बनाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो मैं उसके लिए घर से पेस्ट बना के लेके आया हूँ। इस पर मैंने एक चीज़ और ऐड की है, पुदीना। पुदीना भाई ऑप्शनल है। चिकन मैंने अच्छे से धो लिया था, देखिए, और पानी निथार लिया इसका। बाकी भाई सबसे पहले चटनी निकाल लेते हैं। और इस पे ऐड कर लेंगे दही। और स्वाद के अनुसार नमक, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना भाई। और काली मिर्च, बस इतनी इनफ है। अब इसको मिला लेते हैं। ये मैरिनेशन होने के लिए मैंने रख दिया। अब इसको ढक देते हैं कम से कम आधा घंटा, लेकिन मेरे पास टाइम पर्याप्त है तो मैं और ज़्यादा टाइम के लिए इसको छोड़ दूंगा, जिससे कि चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा भाई। तब तक मैं सोच रहा था दही को, जो दही बची हुई है इसको बढ़िया से इंजॉय करता ना, लेकिन यार क्या बताऊँ, आज कुकिंग सेट में अपना लेके नहीं आया कैंपिंग वाला, उसकी ज़रूरत आज थी नहीं, चम्मच भी उसी में रहती है तो वो भूल के आ गया हूँ। चलो तब तक चम्मच ही बनाते हैं, है ना। लकड़ियाँ ढूंढ लाता हूँ जिससे कि मैं चम्मच बना पाऊँगा। तो ये लकड़ी मिल गई मुझे, कोशिश करता हूँ चम्मच बनाने की, है ना। फाइनल रिजल्ट तो कुछ ऐसी बनी भाई, इस चाकू से इतना ही पॉसिबल था, है ना। ये देखिए, तो अब इससे आराम से दही खा सकता हूँ मैं। ये देखिए, वाह मज़ेदार। हाँ, अलग सी फीलिंग है इससे खाने की। फिनिश। और ये चम्मच हमेशा काम में आएगी, इसको मैं अपने साथ रख लूँगा। तो भाई अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई कुकिंग, है ना। लगभग लगभग एक घंटा हो चुका है और मैरिनेशन भी हो गया भाई अच्छे से। वाह यार, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसको रख लेते हैं साइड में, और ये स्टफ़ बहुत काम आने वाला है। और सबसे पहले मुझे थोड़ा सा लहसुन छील लेना है।
वाह भाई, क्या गजब आवाज आ रही है घुघुती की। ऑयल इतना इनफ होगा। और सामने की तरफ भाई थंडर स्टॉर्म हो रहा है। सबसे पहले इस पे मैं बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लूँगा। तो देखिए हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, तो अब इस पे चिकन आराम से डाल सकते हैं। ये देखिए वाओ, इसकी जो खुशबू आ रही है ना, भीनी भीनी सी खुशबू, वो गजब आ रही है। बस कुछ ही देर है, जो चीज़ मैं आज बना रहा हूँ, अभी तक मैंने इसका नाम रिवील नहीं किया है, बाकी मैं अभी कुछ ही देर में आप लोगों को बताऊँगा खाते टाइम, जब इसको एंजॉय करेंगे। सनसेट होने वाला है कुछ ही देर बाद, और नीचे की तरफ देखिए भाई, है ना गजब की जगह। सामने हो रहा है सनसेट, और भाई इस तरफ मेरा टेंट पीछे है, देखिए कितना अंधेरा हो चुका है अभी। लोकेशन अल्टीमेट है भाई। भाई एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, अभी देखिए इस पे पानी हो गया है, तो चिकन पानी छोड़ने लगा है, बाकी मैंने दही में भी मैरिनेशन किया था तो उसका भी पानी है, तो जब तक ये पानी सूखता है, ये पानी जो चिकन के पीस हैं इनको भी और सॉफ्ट बना देगा, तो पूरा पानी सूखने तक पकने देना है। जो चीज़ मैंने आज बनाई है ना वो रेडी है भाई, और मैं अपने लिए चटनी निकाल लेता हूँ। इनफ है। और अब देखिए, अब मैं भाई खाने से पहले आपको इसका नाम बता देता हूँ, तो इसको बोलते हैं हरियाली चिकन, और देखिए पूरा ग्रीन और अच्छे से भुन भी चुका है। प्लेट पे निकालते हैं भाई और टेस्ट करते हैं, फिर पता लगेगा कि कैसा बना है। वाह, ये देखिए चीज़ बनी है, बाकी टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि कैसा बना है ये। नींबू डाल लेता हूँ ऊपर से, भाई मुंह में पानी आ रहा है इसको देखते ही। मैंने हर टाइप का चिकन लगभग लगभग खा रखा है भाई,
आज तक लाइफ में जितने टाइप का भी चिकन खाया ना, पकौड़ी खाई चिकन की, और कढ़ाई चिकन खाया, बाकी बटर चिकन खाया भाई, लेकिन जो इसका टेस्ट है, इसकी अपनी जो जगह है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। बाकी आपको रेसिपी तो पूरी पता ही है, एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करना इसको, और उसके बाद मुझे बताना कि कैसा बना था ये। सुपर भाई, भाई साहब और बूंदाबांदी भी स्टार्ट होने लगी है। मजा आ गया, अब मुझसे नहीं रुका जाने वाला, मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि भूख भी लगी है और ये बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इस डिश के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कविता मैडम का, कविता किचन, उनकी वीडियो देखी थी भाई अभी मैंने कल ही में, तो उसे देख के मैंने ये डिश बनाना सीखा। बूंदाबांदी शुरू हो गई है भाई, मैं एक काम करता हूँ इसको फिनिश कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। भाई साहब ये देखिए इतना टेस्टी बना था ना, पूरा फिनिश कर लिया यार मैंने। और भाई होने लगी है बारिश, और आज का मेरा जो प्लान है वह यहाँ रुकने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये वाली जगह है बहुत ज़्यादा डेंजरस है रात के लिए, और मैंने सोचा था कुछ बहुत लकड़ियाँ ढूंढ लूँगा, लेकिन लकड़ियाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, सूखी हुई। और कच्ची लकड़ियाँ भाई काटना वैसे भी मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, और कच्ची लकड़ी काट के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो दोस्तों मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं तक रखूँगा, बाकी आप कमेंट करके बताना भाई कि आप लोगों को मेरा ये कैंपिंग ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ इसको लाइक करना, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। बाकी देखिए बारिश की बूंदें शुरू हो चुकी हैं, ये देखिए। तो मुझे क्या करना है कि अभी पैकिंग करनी है और फटाफट घर निकलना है, देखिए बारिश बढ़ने लगी है भाई। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।